हेलो दोस्तों, मैं अशोक आपका स्वागत करता हूं मेरे चैनल ट्रांसपोर्ट अड्डा पर। तो दोस्तों कैसे हैं आप? दोस्तों आज मैं हूं टोल प्लाज़ा हिसार के अंदर और आज मैं यहां पे आपको जानकारी देने वाला हूं कि टोल प्लाज़ा पे जो जो गाड़ियां गुजरती हैं उनकी कितनी फ़ी लगती है, कितना टोल आपको पे करना पड़ता है। जैसा कि नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया ने ये बोर्ड यहाँ पर मैंशन किया हुआ है। एक बात मैं आपको फिर से बताना चाहूँगा दोस्तों, जहाँ पर भी टोल प्लाज़ा होता है वहाँ पर सारी डिटेल दी होती है कि कौन सी गाड़ी फ्री है, किस गाड़ी का कितना जो है चार्ज लगेगा। तो ये बोर्ड अगर आप देख रहे होंगे दूर तक, सारी ये जो डिटेल है टोल प्लाज़ा के बारे में दी गई है। तो यहाँ पे बात करते हैं दोस्तों कि यूज़र फी रिकवरी कितनी है, यानी कि गाड़ी का जो वाहन का शुल्क है वो कितना है। यहाँ पे अगर आप देखेंगे दोस्तों, टाइप ऑफ व्हीकल में अगर आप देखेंगे, कार, जीप, वैन और लाइट मोटर व्हीकल अगर है आपके पास, हल्के वाहन है, तो उसमें आपका एक तरफा अगर आप जाते हैं तो 75 रुपये, वापसी भी करते हैं तो 115 रुपये, और अगर आप महीने का पास बनवाते दोस्तों, जैसे कि यहाँ पे मंथली भी दे रखा है, मासिक, वो जो है 2475 रुपये। दोस्तों ये आप जो है शुल्क यहाँ पे देख सकते हैं। इसके अलावा लाइट कमर्शियल व्हीकल है, लाइट गुड्स व्हीकल है, मिनी बस है, जो थोड़ी सी बड़ी हो जाती है दोस्तों, कार, जीप, एसयूवी से थोड़ी बड़ी होती है, उनका जो यहाँ पे चार्ज लगेगा दोस्तों एक तरफा 120 है, वापसी 180 है। ऐसी दोस्तों बस और ट्रक का अगर आप चार्ज की बात की जाए, एक तरफा 250 रुपये यानी 250 रुपये फ़ी आपको पे करनी पड़ती है, वापसी भी अगर आप करवाते हैं 375 रुपये, और मासिक यानी कि मंथली का पास अगर आप बनवाते हैं तो 8375 रुपये। तो सारी डिटेल यहाँ पे आपको दे रखी है। जैसे कि ट्री एक्सल कमर्शियल व्हीकल है, इसमें क्या होता है दोस्तों, जो कि व्यावसायिक वाहन होते हैं वे आते हैं, और इसमें आपके एक तरफा 275 रुपये लगेगी। इसके अलावा दोस्तों यहाँ पर जो है हैवी कंस्ट्रक्शन मशीनरी है, अर्थ मूविंग इक्विपमेंट है, या मल्टी एक्सल व्हीकल है जो कि 4-6 एक्सल की जो बड़ी गाड़ियाँ होती है दोस्तों, उसके भी यानी कि यहाँ पे हिंदी में अगर आप देखेंगे तो भारी निर्माण यंत्र, और जो काफ़ी ज़्यादा टायर जिस गाड़ियों के होते हैं उनका एक तरफा जो फ़ी लगती है 395 रुपये, और वापसी 595 रुपये। इसके अलावा दोस्तों 7 और मोर एक्सल की गाड़ियाँ, यानी कि जो ओवर साइज व्हीकल है, बड़े साइज की गाड़ियाँ है, सबसे ज़्यादा जो टोल लगता है इन्हीं गाड़ियों लगता है, 480 रुपये एक तरफा लग जाता है दोस्तों, और 720 रुपये अगर आप वापसी भी लेते हैं तो। और नीचे आप नोटिफिकेशन अगर देखेंगे, द रेट फॉर मंथली पास एप्लीकेबल फॉर लोन नॉन कमर्शियल व्हीकल रिसाइडिंग विद इन डिस्टेंस ऑफ 20 किलोमीटर फ्रॉम द टोल प्लाज़ा। तो ये जो पास अगर आप बनवाना चाहते हैं दोस्तों, तो इसका कहना है कि अगर आप टोल प्लाज़ा के 20 किलोमीटर के एरिया को रिकवर करते हैं, उसी के अंदर रहते हैं, तभी आप जो है पास के लिए अप्लीकेबल है, अदरवाइज़ आप जो है मंथली पास को अप्लाई नहीं करवा सकते। तो दोस्तों टोल प्लाज़ा की ये डिटेल आपको कैसे लगी वो आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं। अगर आपकी और भी कुछ क्वेश्चन है इसके बारे में वो भी आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड सपोर्टिंग ट्रांसपोर्ट अड्डा।